अपने प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है। हमने ये जाना कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 अपने आप में 8 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स को मेंशन करता है, और ये जो 8 ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के, ये अवेलेबल है फॉर बोथ हस्बैंड एज वेल एज वाइफ। तो ये 8 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? एडल्ट्री, क्रुएलिटी, डेजर्शन, कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी और वेनेरियल डिजीज। तो दीज आर 8 ग्राउंड्स, और इन 8 ग्राउंड्स को हमने डिटेल में कवर किया है अपने पिछले 2 क्लासेस में। अगर आप वीडियो में नए हो तो आप पहले उन दोनों वीडियोस को देख लो, तब ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 उन 4 ग्राउंड्स को मेंशन करता है। इट मेंशंस ऑल दोज 4 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स विच आर अवेलेबल एक्सक्लूसिवली टू द वाइफ। यानी सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में जो 4 ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के, ये केवल और केवल वाइफ को अवेलेबल है। यानी इन 4 ग्राउंड्स के बेसिस पर केवल और केवल वाइफ पिटीशन फाइल कर सकती है बिफोर द कोर्ट रिगार्डिंग डाइवोर्स। वाइफ इन 4 ग्राउंड्स के बेसिस पर या एक से अधिक ग्राउंड्स के बेसिस पर डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। लेकिन सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में जो 8 ग्राउंड्स हैं, ये अवेलेबल हैं दोनों हस्बैंड एज वेल एज वाइफ के। अब इन्हीं 2 सब सेक्शन के बीच हमें पढ़ना होता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, जिसमें हमें 2 बातें जाननी है। पहला, जुडिशियल सेपरेशन, और दूसरा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है, आइए पहले समझते हैं, फिर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 को हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए रीड्स एज ईदर पार्टी टू मैरिज, यानी हस्बैंड या वाइफ, वेदर मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, फिर चाहे उनका विवाह इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले संपन्न हुआ हो या इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद हुआ हो, मे प्रेजेंट पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ देयर मैरिज, वो अपने विवाह के डिसोल्यूशन के लिए पिटिशन प्रेजेंट कर सकते हैं इन 2 ग्राउंड के बेसिस पर जो कि मेंशन है अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। तो यानी ये 8 ग्राउंड्स तो अवेलेबल है ही वाइफ और हस्बैंड के लिए, जिनके बेसिस पर इधर हस्बैंड और वाइफ में प्रेजेंट डिवोर्स पिटीशन। वहीं सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए 2 एडिशनल ग्राउंड्स को भी मेंशन करता है, जिनके बेसिस पर ईदर पार्टी में प्रेजेंट पिटीशन फॉर डाइवोर्स, जिसमें सबसे पहला है जुडिशियल सेपरेशन। तो इसमें क्या है, कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी थी, 1 साल या उससे ज्यादा का समय बीत चुका है, फिर भी हस्बैंड और वाइफ के बीच कोहैबिटेशन नहीं हो पा रहा है। अगर वाइफ ट्राई कर रही है कोहैबिटेशन के लिए, एफर्ट्स कर रही है, लेकिन हस्बैंड तैयार नहीं हो रहा है, तो वाइफ इस ग्राउंड के बेसिस पर डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, राइट। तो पहला ग्राउंड क्या है,
जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर दी है कोर्ट ने और एक साल या एक से ज्यादा साल का टाइम पीरियड बीत चुका है, फिर भी वाइफ और हस्बैंड के बीच कोहैबिटेशन सहवास नहीं हो पा रहा है। इट इज ग्राउंड फॉर डिवोर्स अवेलेबल फॉर बोथ। दूसरा क्या है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास कर दी थी। दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना की डिक्री कोर्ट ने पास कर दी थी और एक साल या उससे ज्यादा का टाइम पीरियड बीत चुका है, फिर भी कोहैबिटेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स की, राइट? तो दीज आर टू एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अवेलेबल अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए टू बोथ हस्बैंड एज वेल एज वाइफ। तो अपने अब तक के डिस्कशन को अगर हम समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टोटल 10 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अवेलेबल टू दी बोथ हस्बैंड एज वेल एज वाइफ। वहीं सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 अपने आप में केवल 4 एडिशनल ग्राउंड्स के बारे में बात करता है जो कि अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली टू दी वाइफ। तो ये 4 ग्राउंड्स क्या क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहला है प्री एक्ट बाइगैमी, दूसरा है गिल्टी ऑफ रेप सोडोमी बेस्टियलिटी, तीसरा नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, आफ्टर मेंटेनेंस ऑल्सो, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और चौथा है एज ऑफ पुबर्टी, राइट? तो पहला ग्राउंड है प्री एक्ट बाइगैमी। इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, यानी ये जो एक्ट है वो एनफोर्स में आया 18 मई 1955 को। इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले जो हिंदूज हैं वो 2 या 2 से अधिक शादियां करते थे और वो वैलिड रहता था, लेकिन जैसे ही ये एक्ट आया 18 मई 1955 तो इस एक्ट ने बाइगैमी को कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द बाइगैमस मैरिज। इसलिए जब हमने सेक्शन 5 को पढ़ा जो कि बात करता है कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज, तो इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या है? Neither party had spouse living at the time of marriage. ठीक है, तो विवाह के समय पति या पत्नी में से किसी का भी उस समय तक कोई जीवित पूर्व पति या पूर्व पत्नी नहीं होना चाहिए। तो जब हम conditions of Hindu marriage के बारे में बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि पहले से कोई स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, राइट? और फिर देखो सेक्शन 17 बेसिकली पनिशमेंट फॉर बाइगैमी के बारे में बात करता है। तो यानी जैसे ही एक्ट एनफोर्स में आया उसके बाद से जो बाइगैमस मैरिज पहले परफॉर्म हुआ करता था, जो कि वैलिड हुआ करता था, अब वो कंप्लीटली इनवैलिड हो गया एंड बाइगैमस मैरिज कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले। कमेंसमेंट के बाद तो बेसिकली एक स्पेस क्रिएट किया गया जिसमें यह कहा गया कि इन केस एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले यानी 18 मई 1955 से पहले अगर कोई विवाह संपन्न हुआ है, In case any marriage solemnized before commencement of this act,
that the husband had married again before such commencement, or इस act के commencement से पहले husband ने दूसरी शादी कर ली है, विवाह संपन्न हुआ है इस act के commencement से पहले, और इस act के commencement से पहले husband ने during the subsistence of his first marriage उसने दूसरा विवाह कर लिया है, or that any other wife of husband married before such commencement was alive at the time of marriage of petitioner. Simple something. इस act के commencement से पहले यानी 18 मई 1955 से पहले husband ने या किसी person ने कोई शादी की थी, और इस act के commencement के पहले उसने दूसरी शादी भी कर ली, और जब उसने दूसरा शादी किया तो उस समय उसकी पहली पत्नी जीवित थी. She was alive during the subsistence of second marriage. तो ये एक ग्राउंड हो जाता है वाइफ के लिए कि वाइफ जो है डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि जो पूर्व पत्नी है, जो पहली पत्नी है, वो जीवित होनी चाहिए. राइट. तो ये जो ग्राउंड है वो बेसिकली प्री एक्ट बाइगामी के बारे में बात करता है. क्यों? क्योंकि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद से पूरी तरह से बाइगामी को प्रोहिबिट कर दिया गया है. राइट. तो इस एक्ट ने बेसिकली एक स्पेस क्रिएट किया, एक हार्मोनी क्रिएट किया कि पहले अगर विवाह हुआ है, दो विवाह हो गया है और दोनों पत्नी जिंदा है, जीवित है इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले पहले, तो वो क्या कर सकती है? डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है बिफोर द कोर्ट. दूसरा क्या है? हस्बैंड हैज सिंस सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, विवाह के समय तक हस्बैंड वाज गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी. सोडोमी मींस हैविंग एनल इंटरकोर्स, और बेस्टियलिटी मींस इंटरकोर्स विद एनिमल व्हिच इज कॉल्ड एज अननेचुरल ऑफेंसेस. राइट. तो इफ हस्बैंड हैज सिंस solemnization of marriage been guilty of rape, sodomy, bestiality, then it becomes ground for wife to seek divorce. और तीसरा क्या है? No restitution of cohabitation after decree of maintenance under section 125 CRPC or under section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act. Court ने maintenance order pass कर दिया था वाइफ के फेवर में, इधर अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. और हस्बैंड पिछले एक सालों से वाइफ को मेंटेनेंस दे रहा था, पे कर रहा था, या एक से अधिक साल हो गया है और हस्बैंड अपने वाइफ को मेंटेनेंस पे कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके बीच को हैबिटेशन नहीं हो पा रहा है. हस्बैंड इज नॉट रेडी टू कोहैबिट विथ वाइफ. तो इस ग्राउंड पर वाइफ डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है. और लास्ट क्या है? एज ऑफ पुबर्टी. जब विवाह संपन्न हुआ तो उस समय दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट वॉज सोलेमनाइज्ड बिफोर सी अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर्स. तो वाइफ ने अभी 15 years of age अटेन नहीं किया था और उसका विवाह संपन्न हो गया था. आगे कहता है कि उनके बीच भले ही कंज्यूमेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, यानी इंटरकोर्स हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर जिस समय विवाह हुआ उस समय पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम थी, एंड सी हैड रेपुडिएटेड द मैरिज आफ्टर अटेनिंग दैट एज, इस 15 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के बाद उसने इस विवाह का विरोध किया, लेकिन 18 साल कंप्लीट होने से पहले पहले अगर सी हैज रेपुडिएटेड हर मैरिज, तो ये एक ग्राउंड हो जाता है डाइवोर्स के लिए. यानी सिंपल, अगर वाइफ इस विवाह का विरोध कर रही है तो 15 से 18 साल के बीच में ही वो क्या कर सकती है? अपने मैरिज को रेपुडिएट करा सकती है. इफ आफ्टर अटेनिंग 18 years of age वो इस विवाह का विरोध कर रही है,
तो उसे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस 15 ईयर के बाद, लेकिन 18 ईयर कंप्लीट करने से पहले पहले उसे इसका विरोध करना है और डिवोर्स पिटीशन फाइल करना है, ठीक है। तो दीज आर 4 ग्राउंड्स स्पेशली गिवन इन फेवर ऑफ वाइफ एंड वाइफ ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स मे फाइल डिवोर्स पिटीशन बिफोर कोर्ट, राइट। तो ये था डिवोर्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करी। अगर मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, आपका कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, राइट, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि कैसे मैं इस चीज को और इम्प्रूव कर सकूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए। अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे मैं नोट्स डालता रहता हूँ, राइट। तो अब एक सेपरेट क्लास में हम उन सभी इम्पोर्टेंट केस लॉज को देखेंगे जो कि डिवोर्स से जुड़े हुए हैं, राइट। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।